फिजा खलीफा जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं बताता हूँ आपको कि ये जो भाई साहब बोले जा रहे हैं कि गीता में ये लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इन भाई साहब ने ना कर दी जहलो वाली बात। तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कौन सी गीता लिखी हुई है जो तुमने मिक्स करके छापी है, उतनी किसी के अंदर नहीं है। तुम्हारे मुस्लिम धर्म में तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे बेहतर फिरके हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। शिया सुन्नी आज तक भाई भाई नहीं बने। भारत में अकलियतों के हकूक कब दिए जाएंगे? माइनॉरिटीज वहां पे सफर किए चली जा रही हैं, क्यों इन मासूम लोगों पर भारत में जमीन तंग की जा रही, वजह क्या है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो आज की वीडियो में तीन लोग हैं, दो पाकिस्तानी, एक फिजा खलीफा और एक उनका चमचा, और एक हमारे भारत से दुबे जी है। तो दुबे जी करने वाले हैं आज फिजा खलीफा की पहलाई, और अब आपका भाई मिलेगा आपको सीधा आखिरी में। तो आप वीडियो का मजा लीजिए। आपका वक्त देने के लिए सरहद पार से दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दुबे जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सबसे पहले, भारत में अकलियतों के हकूक कब दिए जाएंगे? माइनॉरिटीज वहां पे सफर किए चली जा रही हैं, क्यों इन मासूम लोगों पर भारत में जमीन तंग की जा रही, वजह क्या है? बराए मेहरबानी, मुझे नहीं पता, आप कभी तो सच बोल लिया करें पाकिस्तानी मीडिया। मतलब ये जो हवाएं उड़ती हैं, इनका रुख कैसा होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि कभी समझ आ पाएगा, क्योंकि ये भारत का एक हिंदुस्तान है। आप जानते हैं ये हिंदुस्तान है, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण होने के बावजूद मैं ये पुस्तक इस्लाम पढ़ता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। भारत के हिंदू समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी को आजादी नहीं, किसी को बहुत सारी पाबंदियां हैं। हमारे यहाँ इस तरह की पुस्तक मिलती है, बाजारों में मिलती है, और लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। इतनी अभिव्यक्ति की आजादी है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, समानता खोजी जाती है कि दोनों धर्मों में क्या समानता है। ऐसी कौन सी बात है जो धर्म को लेकर आप लोग करते हैं कि भाई धर्म को लेकर तलवारें खुली हुई है, मुसलमान परेशान है, ऐसा है वैसा है, हिंदू ये है भाई, ऐसा क्यों एक बनाया जाता है माहौल, क्यों तैयार किया जाता है कि हिंदू खा जा रहा है मुसलमान को? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक माहौल नहीं तैयार कीजिए। जिस तरह का पाकिस्तान में होता है ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होता। मतलब ऐसा मत समझिए कि जैसा आपके यहाँ पर हो रहा है भारत में भी वैसा ही हो रहा और होगा। पाकिस्तान में तो पता नहीं, आज ये हुकूमत है, आज ये बोल रही है, कल हुकूमत बदल जाएगी, कुछ और बोलेगी, नेता बदल जाती है, बयान पलट जाती है। तो मूल मसला यही है कि बयान बार बार पलटे जाते हैं। कभी आपके दुबे जी, बात अकलियत से शुरू हुई थी, अकलियतों से माइनॉरिटीज जो आपके यहाँ रह रही, उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, उनके हुकूक बकायदा दबाए जाते हैं, उनको वहाँ दबाया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उन पर जमीन तंग की जाती है। आप पता नहीं इस डिस्कशन को कहाँ ले गए। हाँ, मैं सब आपकी तरफ आ रही हूँ, हमने दुबे जी को भी सुना। सवाल मेरा सादा सा था कि अकलियतों के साथ इतना जुल्म का सिलसिला कब बंद होगा, क्या मसला है, क्यों उनको तंग किया जाता है? दुबे जी ने एक लंबी कोई डिबेट चला दी, पता नहीं वो कहाँ पहुँच गए। बहुत शुक्रिया फिजा। बात यह है कि जब बात सही जवाब ना हो तो फिर यही हल रह जाता है कि इधर उधर की बात करें और असल मुद्दे की तरफ ना आए। असल मुद्दा तो ये है कि ये जो मोदी की फासिस्ट गवर्नमेंट है, इसने मुसलमानों का जीना दोबर कर दिया है। और एक और बात बताता चलूं, दुबे जी पता नहीं किस भारत या हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। ये हिंदुस्तान मुसलमान तो दूर की बात, अपनी निचली जात के जो हिंदू हैं उन तक को कोई आजादी नहीं देता। निचली जात के हिंदुओं को वहां पर जितने जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, 60 लाख के करीब हिंदू, वो खुद तंग आए हुए हैं, वो खुद इस्लाम के अंदर अपनी पनाह ढूंढते हैं। और मुसलमानों के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, ये दुनिया से ढका छुपा तो है नहीं। आपने जो अभी लाउड स्पीकर पे अजान की बात की, आपको मैं बताता चलूं, दुबे जी को शायद याद नहीं है कि भारत का ही सुप्रीम कोर्ट जब थोड़े से बेहतर फैसले करता था, आज का तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कैंगरू कोर्ट बन गया है मोदी सरकार का। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 93 में कि मुसलमानों को अजान की आजादी है, मुसलमानों को जो मर्जी हिजाब पहने या जो मर्जी पहने उसकी आजादी है, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की आजादी है। ये इनके सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके खिलाफ आज पूरी हिंदुत्वा एक तहरीक चला रही है। आज हिंदुत्वा कहती है कि मुसलमान आजादाना जुमे ना पड़े,
मुसलमान लाउडस्पीकर पर अजान ना दें, मुसलमान लड़कियां हिजाब ना करें, मुसलमान जो है वो अपनी मर्जी से शादी ना करें, मुसलमान जो है वो अपनी मर्जी से दाढ़ियां ना रखें, मुसलमान जो है वो कुर्बानी के गोश्त या गाय का गोश्त कुर्बानी ना करें, मुसलमान जो है वो इनके महकूम बनकर रहे। मतलब ये किस इंडिया की बात कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इनको शायद खुद नहीं आइडिया, या ये खुद अपने मीडिया को नहीं देखते, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई जा रही है। मैं हिंदू धर्म का आपको बताता हूँ, आप चांकिया आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं जिसके मुताबिक किसी भी गैर हिंदू को हिंदुस्तान में रहने की इजाजत ही नहीं। आप जिस गीता की बात करते हैं उसी गीता के अंदर ही आप कहते हैं जी कि हम किसी और को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जिस गंगा स्नान की बातें करते हैं वहां पर मुसलमानों को जलाने की बात करते हैं। फिजा खलीफा जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं बताता हूं आपको कि ये जो भाई साहब बोले जा रहे हैं कि गीता में ये लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इन भाई साहब ने ना कर दी जहलो वाली बात। तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कौन सी गीता लिखी हुई है जो तुमने मिक्स करके छापी है, जिसको तुम लोग पढ़ते हो, तुम्हारी बुद्धि पे गिर गए पत्थर। गीता में सबसे पहले ही ये लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया हमारा संसार है, और हिंदू धर्म में जितना भाईचारा और मोहब्बत है उतनी किसी के अंदर नहीं है। तुम्हारे मुस्लिम धर्म में तो बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे बेहतर फिरके हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, शिया सुन्नी आज तक भाई भाई नहीं बने, और तुम उंगली उठाते हो हिंदू धर्म के ऊपर। दुबे जी, आपकी पुष्ट बनाई, आप लोगों की साजिश थी उसके पीछे भी, ये दुनिया जानती है। एक मिनट लेट मी स्पीक। और तुम क्या बात कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट, अब वो वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा भैया, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है सारी चीजें। और मस्जिदों के नहीं, मंदिरों के भी लाउड स्पीकर हटे हैं और सबकी आवाज 10 डेसिबल के अंदर की है, ठीक है? तो भ्रम, झूठ, फ्रेप फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपनी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ मत बनाओ। और अब मैं चलता हूँ, जय श्री राम। तो दोस्तों, ये फिजा खलीफा पाकिस्तान की एक वरिष्ठ पत्रकार है, और इसके टीवी प्रोग्राम अक्सर भारत के ऊपर होते हैं, भारत को बदनाम करने के लिए, झूठ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए होते हैं, और वो सब इनकी ISI आर्मी के द्वारा स्पॉन्सर होते हैं। सही बात है, क्योंकि इसको अवार्ड भी इसी बात के मिलते हैं कि भारत के खिलाफ कितना ज्यादा झूठ बोल लेती है। और जो दुआ है वो कहते हैं ना, आपको कहां तक पहुंचा देती है, और खासतौर पर अगर माँ बाप से मिल जाए। और मैं मैनेजमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ, बोलनी उसके मैनेजमेंट ने मुझे मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, बोलने से कभी नहीं रोका, कि कहा हाँ बोलो और खुलकर बोलो। और हाँ, ये पीपल चॉइस अवार्ड है, यानी पीपल वोटेड फॉर दिस, और लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने वोट किया और मुझे इस काबिल समझा। और आप लोग फिजा खलीफा के बारे में क्या सोचते हैं, तो जरूर कमेंट जरूर कीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। इस वीडियो को भले आप लाइक मत करो, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन एक शेयर जहाँ भी आप कर सकते हो एक शेयर जरूर कर देना। अरे आप अपना काम करो ना भाई, ताकि ये वीडियो फिजा खलीफा तक पहुंचे। सही बात है। और आप में से जो इंस्टाग्राम पे हो तो एक बार मेरी आईडी भी देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अच्छा लगे तो फॉलो कर लो, कर ही लेना। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।